माँ रोल मॉडल होती है बच्चों के लिए, मेल 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, माँ कम से कम 8 घंटे जरूर काम कर। माँ ने अगर टीवी देखना है, मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो वो उस वक्त करे जब बच्चे घर से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालदैन, क्या आप ये तवक्को कर सकते हैं कि एक माँ मेहनती ना हो और उसके बच्चे मेहनती हों? ये बहुत मुश्किल है। माँ रोल मॉडल होती है बच्चों के लिए, चुनाचे अगर वो मेहनती होगी तो बच्चे भी ज्यादा इम्कानात हैं कि मेहनती होंगे। जीन्स का असर होता है इंसान की शख्सियत पे, लेकिन माँ का असर बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रोल मॉडल है। आज के दौर में जब महंगाई बढ़ चुकी है और लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, तो मेल पे बहुत प्रेशर है। चुनाचे मेल 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं अक्सर, तो माँ कम से कम 8 घंटे जरूर काम करे, ज्यादा करे तो और अच्छी बात है। दो तीन चीजें इस हवाले से कहूंगा कि माँ ने अगर टीवी देखना है, मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो वो उस वक्त करे जब बच्चे घर से बाहर है, ताकि बच्चे जब आए तो माँ काम करती हुई नजर आए, उन्हें लगे हमारी माँ बहुत काम करती है। इससे माँ की इज्जत भी बढ़ेगी, बच्चे उसका कहना भी मानेंगे। दूसरी बात, अगर उसने मोबाइल बच्चों के सामने इस्तेमाल करना ही है, तो वो मुस्बत इस्तेमाल होना चाहिए। मसलन उस पर सेहत के हवाले से वीडियोस देखी जाएं, कौन सी खुराक कैसी है, खाना पकाने के मतलब रेसिपीज देखी जाएं, बच्चों को पालने के मतलब, बच्चों की स्टडीज से मतलब, तो इस तरह की वीडियोस देखी जाएं ताकि बच्चे भी मोबाइल का मुस्बत इस्तेमाल सीखें। नफ्सियात का तालब इलम होने के नाते ये भी कहूंगा कि जो इंसान 8 घंटे प्रोडक्टिव काम नहीं करता, उसको कोई ना कोई नफ्सियाती या जिस्मानी मसला शुरू हो जाता है। प्रोडक्टिव काम से मुराद यह है कि वो काम उस इंसान के लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, बनीनो इंसान के लिए। तो माँ को कम से कम 8 घंटे काम करना है। शुक्रिया।